तो हमारे साथ हैं अभी विकास भाई, जिनको बनाया जा रहा है राजस्थानी। हम लोग इसका हम लोग का उधर में मतलब ये हवा मेल हम लोग बहुत देखे थे, लेकिन निकली है आज ओरिजिनल लिखा दिया। आज ओरिजिनल। आज मेरे साथ में है आप गौरव, आप रॉकी भाई हो जो भी है, और इधर में गौरव जी भी है। हम लोग को बहुत अच्छे से स्वागत किए इधर में। और गुड मॉर्निंग जयपुर। सो आज आए हैं असम से राइडर्स, और वो हैं इंडिया टूर पे, और इनका पहला फेज है नॉर्थ इंडिया, जो इन्होंने ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज का इन्होंने टारगेट रखा था वो कंप्लीट करने के लिए आए हैं, और आज हैं जयपुर। तो जयपुर में है क्लब रोरिंग हॉक्स, एंड आई एम द एडमिन ऑफ क्लब रोरिंग हॉक्स, और मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर विकास छेत्री का, जो कि है मेरे जस्ट पीछे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इनको पिंक सिटी घुमाने, और पिंक सिटी में आपको क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे आपको सबसे पहले जल महल। जल महल आप लोगों ने सबने देखा हुआ है, बट जिन लोगों ने नहीं देखा उनको भी आज देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में है दी आसामी राइडर्स। यहाँ मैं सबसे पहले मिलवाता हूँ आपको सिमन भाई से। हेलो। तो ये है आज राइड पर, और राइड होने वाली है बहुत अच्छी, और हम लोग आज घूमेंगे जयपुर राजस्थान। थैंक यू सो मच गौरव जी और विराज जी, हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे राजस्थान जयपुर। बिल्कुल। तो जैसे कि इनका स्वैग है नेक्स्ट लेवल, तो राइड भी होगी आज नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ है हमारे साथ में धीरज भाई। तो धीरज भाई और मैं अभी निकल रहे हैं, कहाँ पे? पहले जाएंगे सम्राट, क्योंकि हम हैं जयपुर के सम्राट। हमारे साथ में विकास भाई, जिनको हम लोग अभी लेकर आए थे कहाँ पे? सम्राट, हमारा फेवरेट सम्राट कैफे। और अच्छा लगा यहाँ का जो टी है, टी खा के बहुत अच्छा, टी के बहुत अच्छा लगा। साथ में जिलेबी, दाल, पनीर पकौड़ा, क्या बात है, लाजवाब है। दिन का शुरुआत हम लोग का बहुत अच्छा हुआ, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो अभी इनको लेकर जाएंगे हम फेमस, वर्ल्ड फेमस हवा महल, जहाँ पे इनका फोटो शूट होगा। फिर उसके बाद अपन चलेंगे ऑन द टॉप ऑफ जयपुर नाहरगढ़ फोर्ट। हेलो भाई लोग, तो वेलकम बैक टू माय चैनल, और अभी मैं हूँ विकास भाई के साथ में, विकास छेत्री, और इनको करा रहे हैं जयपुर विजिट। तो अभी हम लोग हैं, बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड फेमस हवा महल, ऑल्सो नोन एज द विंड पैलेस। तो विंड पैलेस पे हैं हम लोग अभी भी। हम समीरन भाई, समीरन भाई हमारे साथ में है, और हमारे साथ है रॉकी भाई, रॉकी भाई, और यहाँ है हमारे साथ विकास भाई। हाय। तो विकास भाई कैसा लगा आपको विंड पैलेस एक्सपीरियंस? हम लोग इसका हम लोग का उधर में मतलब ये हवा मेल हम लोग बहुत देखे थे, लेकिन निकली है हम लोग का उधर में। आज ओरिजिनल लिखा दिया। हाँ, आज ओरिजिनल हवा मेल दिखा हम लोग को, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपको लेकर चलेंगे जल महल। जल महल, तो नेक्स्ट मूव टू जल महल, विंड पैलेस को कहते हैं टाटा बाय बाय, और मिलते हैं जल महल में। राजस्थान और जयपुर जल महल लग जाएगा। वन अ राइडर बिकम्स अ राजस्थानी। तो हमारे साथ हैं अभी विकास भाई, जिनको बनाया जा रहा है राजस्थानी। तो विकास भाई, ग्रेट एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। म्यूजिक तो हम डाल देंगे यार, आप मुझे बताओ थोड़ा सा।
तो हम हैं अभी आमेर फोर्ट पे, और आप लोगों को पता होगा आमेर फोर्ट है जयपुर की शान, सबसे रिचेस्ट किला है जयपुर का और वर्ल्ड फेमस है। लोग बहुत दूर दूर से इसको देखने आते हैं क्योंकि इसमें है शीश महल, इसमें है भूल भुलैया, इसमें है रंग महल और इसमें है शीला माता टेम्पल। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर है जयगढ़ फोर्ट, जहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कैनन है। आप लोगों को पता हो जब एक बार ही ये चली है जयगढ़ की तोप, और जब वो चली थी तो वो गई थी यहाँ से 250 किलोमीटर दूर बूंदी में, और जहाँ वो गिरा, जहाँ वो फटा, वहाँ पे बन गया पूरा तालाब। तो ये है जयपुर की शान दोनों एक साथ। और अभी है हमारे साथ में कौन, विकास छेत्री जो आसाम से आए हैं, ऑल ओवर इंडिया की राइड पे है। और अभी मैं जो व्यू ले रहा हूँ ये है शानदार वाला। तो अभी यहाँ से जब हम चलेंगे तो हम चलेंगे ऊपर जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट पे जाके आपको दिखाएंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन, देन उसके बाद में जाएंगे अपना फेवरेट मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन जयपुर नाहरगढ़। तो यहाँ से चलते हैं और व्यू आपको दिखाते चलते हैं। ये है माउठा जो पहले कभी नहीं भरा था बट अब भर चुका है। तो यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं सीधे जयगढ़। सो गाइस ये था मैं गौरव, और अभी हम लोग कर रहे थे जयपुर की राइड। एज यू ऑल नो विकास भाई थे जयपुर राइड पे, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे आ गया है कुछ ज़रूरी काम, और मैं यहाँ से इन लोगों को सी ऑफ करता हूँ। बाकी मिलेंगे हम लोग शाम को, और जब हम शाम को मिलेंगे तब कुछ फन करेंगे। तो यहाँ से मैं करता हूँ विकास भाई को थैंक यू सो मच, और शाम को मिलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा घूमके, बहुत कम टाइम में मतलब बहुत चीज एक्सप्लोर की हम लोग जयपुर में। थैंक यू सो मच फिर वंस अगेन। और अभी ये लोग जाने वाले हैं जयगढ़, देन फिर जाएंगे नाहरगढ़, और देन उसके बाद में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय रॉकी भैया, और यहीं से मैं लेता हूँ सलाम रॉकी भाई, और रॉकी भाई बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, सो हियर आई एम लाइव अगेन, दिस इज मी गौरव, और आज मेरे साथ में है आप गौरव या तो रॉकी भाई हो जो भी। तो ट्रेलर मैंने रिलीज कर दिया है KGF 2 का, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए तो आज मेरे साथ में है स्पेशल गेस्ट हमारे राइडर्स भाई, कुछ जो बहुत दूर से आए हैं और ऑल द वे फ्रॉम आसाम, और वो है अभी ऑल इंडिया राइडिंग पे। तो पर्पस बहुत अच्छा है, जैसे आप लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल से राइडिंग कम्युनिटी के सब लोगों को पता होगा कि अभी रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और ये पूरा हफ्ता चलने वाला है। तो इस रोड सेफ्टी वीक में आप लोगों को क्या करना है, सब लोगों को अवेयर होके पूरे ढंग से बहुत बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को राइडिंग करनी है। आज मेरे साथ में है विकास छेत्री भाई और समीरन, समीरन भाई जो कि आए हैं आसाम से, आसाम की तरोताजा हवा से वो लोग आए हैं और हमारी गुलाबी रंगत गुलाबी सिटी जयपुर में। तो मुझे मौका मिला इनका वेलकम करने का, और अभी मैं हूँ अपने स्टोर पे, और तो उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। बट पहले करते हैं कुछ अपनी बातें। वो अपनी बातें ये है कि जितने भी राइडर्स लोग हैं, देखिए लोग माने ना माने, आप लोगों को ये चीज़ें माननी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि ये है रोड सेफ्टी वीक, और अगर आप अपने आप को राइडर बोलते हैं तो आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आप लोग ढंग से राइड करें। तो यहाँ है हमारे साथ में विकास भाई, और मैं विकास भाई से बात करवाता हूँ आप लोगों की, जो कि है आसाम से और YouTube की है बहुत बड़ी सेंसेशन। आप लोग जाएं YouTube पे सब्सक्राइब करें, Instagram पे जाएं उनको फॉलो करें और उनके अपडेट्स देखें। तो यहाँ है हमारे साथ में विकास भाई। विकास भाई हाय, नमस्ते सबको, नमस्ते। और हम लोग निकले थे आज से कम से कम 15-20 दिन हो गए हम लोग को, आसाम से हम लोग निकले थे, मैं और मेरा दोस्त समीरन, हम लोग ऑल इंडिया राइड के लिए निकले थे। और हम लोग का राइड करने का मोटिव है कि रोड सेफ्टी, हम लोग का रोड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, रोड सेफ्टी को मोटिव लेते हुए हम लोग
मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आप लोग से मेरा मोटिव के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम लोग, मैं और मेरा दोस्त समीरन, समीरन इधर आओ, मैं उनको भी दिखा देता हूँ एक बार। तो इधर समीरन है, समीरन है। हेलो। तो हम लोग रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऑल इंडिया राइड कर रहे हैं। हम लोग कम से कम 17 दिसंबर को निकले थे गुवाहाटी आसाम से, मैं और मेरा दोस्त, KTM 390 एडवेंचर लेके हम लोग निकले थे। तो हम लोग फर्स्ट वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी होके, उसके बाद में पटना बिहार, उसके बाद में गोरखपुर यूपी, लखनऊ, आगरा होते हुए दिल्ली होते हुए हम लोग फिर पंजाब, हरियाणा, हरियाणा पंजाब होते हुए हम लोग एकदम हिमाचल सोलांग वैली तक हम लोग गए। उस तरफ में सोलांग वैली से आगे में हम लोग को जाने का परमिशन नहीं मिला, क्योंकि उधर में अभी हैवी स्नोफॉल हो रहा है। उसके बाद में हम लोग रिटर्न आए दिल्ली में, फिर रिटर्न आके अभी हम लोग राजस्थान की तरफ आए हैं, जयपुर में। और जयपुर में आज हम लोग को बहुत अच्छा स्वागत किए हैं गौरव जी। जयपुर पिंक सिटी बहुत सुंदर जगह है, आप लोग भी इधर में आइए घूमने के लिए। और हम लोग को भी आज यहाँ के, यहाँ में आके बहुत अच्छा लगा। इधर में हम लोग का धीरज जी भी है और इधर में गौरव जी भी है, हम लोग को बहुत अच्छा से स्वागत किए इधर में। और हम लोग आसाम के भी दिख रहे हैं। मिंटू डेका इतिया को रसा इतिया मैं जयपुर रसू आरो मैं शेयर कर दिया हूँ ना, तो हम लोग मीनू लव फ्रॉम सत्यवरी, थैंक यू। तो आप लोगों शायद पता नहीं होगा, ये बहुत नॉर्मल से आपको दिख रहे हैं, बट ये यूट्यूब की बहुत बड़ी सेंसेशन है। और इनके फॉलोअर्स हैं और उनके फॉलोअर्स ने इनके नाम पे बड़े बड़े क्लब्स बना रखे हैं, जिसमें 10,000 लोग इनको फॉलो करते हैं। तो बहुत अच्छा है। और यहाँ हमारे साथ में, मैं नाम थोड़ा समीरन, तो समीरन भाई भी हमें बताएंगे अब तक की आप लोगों की जर्नी, जो आप लोग ऑल ओवर इंडिया राइडिंग कर रहे हो। तो बाल थोड़ा सा खराब होके रखा था, तो ठीक कर लिया, कोई बात नहीं। तूते होते हिंदी से अपनी भावनाओं को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हिंदी इतना ठीक नहीं है, आसाम से है तो नॉर्थ ईस्ट का हिंदी थोड़ा सा, मतलब हिंदी इंग्लिश चाहे आपकी अच्छी हो ना हो, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। तो, हाँ। और यही बाइकिंग ब्रदरहुड है जो हम लोग अभी यहाँ बैठ के शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सिमरन भाई, आप तो हम लोग करीबन 20 दिन, जैसे विकास भैया ने बताया, हम लोग करीबन 20 दिन पहले निकले थे अपने घर से, आसाम से, गुवाहाटी से, और अभी फिलहाल पहुंचे है जयपुर, राजस्थान, पिंक सिटी, द लव ऑफ कलर, गुलाबी का मतलब गुलाबी सिटी। तो फिर हम लोग बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सब कुछ क्रॉस करते हुए दिल्ली, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मतलब इतना ज्यादा जर्नी कर लिया ना, तो स्टेट का नाम भूल गया लेकिन जर्नी याद है, क्योंकि वो फीलिंग है। देखिए, रास्ते मायने रखते हैं, मंजिल मायने नहीं रखती। तो जहाँ आपने रास्ते अच्छे चुन लिए, वहाँ आपको मंजिल भी बहुत अच्छी मिलेगी। और यहाँ मैं दोनों भाइयों से पूछना चाहूंगा कि अब तक आप लोगों का जो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा राइडिंग को लेके, जो बहुत मेमोरेबल टाइम है आपका, वो क्या रहा इस टाइम तक? अब तक वो मेमोरेबल टाइम हम लोग का राइड का अभी बहुत मेमोरेबल राइड रहा। सबसे पहले मैं जो बाइक का कम्युनिटी है ऑल ओवर इंडिया का, बाइक का जो एक ब्रदरहुड है, उनको मैं सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। मतलब एकदम स्टार्ट से, बिहार से लेके बीआरएस हो, या फिर उधर में लखनऊ में हो, उसके बाद में यूपी में, अभी जयपुर में गौरव जी से मिल गए, तो एक जो ब्रदरहुड है बाइकर का, वो मतलब सबसे, मतलब ऐसा मैंने कम्युनिटी कहीं पे भी नहीं देखा, बाइकर का जो कम्युनिटी होता है। और उसके बाद में आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो बहुत सारा रोड में, बहुत आप लोगों को तो पता ही होगा, रोड में जब हम लोग दिन भर राइड करते तो बहुत सारा एक्सपीरियंस का हम लोग को फेस करना पड़ता है। और एक एक्सपीरियंस मेरा, मतलब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, जब सोलांग वैली में हम लोग रहे थे हिमाचल प्रदेश के, उधर में मतलब इतना ज्यादा स्नो दे दिया, तो उधर में हम लोग 8-9 घंटा तक उधर फंसे रहे, मतलब बाइक का ब्रेक भी नहीं लगता, कुछ भी काम नहीं करता। और उधर में जितने भी लोग गए थे बाइक लेके, सब रेंट में लेके गए थे, वो लोग बाइक उधर में छोड़ के चले आए। तो मेरा तो नया बाइक था, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं, और मेरा जो बाइक है उनको मैं बाइक का तरह नहीं, मेरा दोस्त का तरह से मैं ट्रीटमेंट करता हूं। तो मेरा दोस्त को मैं कैसे छोड़ के आऊं वहां पे, तो मैं छोड़ के नहीं आया। 8 घंटा लगातार बाइक ऐसे मतलब ठेलाते हुए मैं 8 घंटा बाद में सुबह 11 बजे से रात को 8 बजे तक, 8 बजे में होटल में पहुंचा, पूरा भीग गया।
और स्नोफॉल्स लगातार होता रहा उधर में, पूरा ब्लैक आइस में बाइक पांच छह बार मेरा बाइक मतलब पलट गया, दो बार इसने ठोक भी दिया। तो वो सबसे मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा था। আর যোনে যোনে আমাৰ তাৰ পৰা চাই আছে অলপ হিন্দীত কৈ আছো কাৰণে সিহঁতে বুজি নাপায় অসমীয়া কথা, সেইকাৰণে মই হিন্দীতে কৈ আছো। हिंदी में भाई साहब ने बहुत लंबी बात करी है। और तो भाई लोग देखो क्या होता है, यहाँ मैं कुछ वर्ड्स मेरे शेयर करना चाहूंगा, मेरी फीलिंग शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। देखिए इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत ठीक है, और आपको हर 100 किलोमीटर पे हर 50 किलोमीटर पे कलर्स चेंज मिलेंगे, आपको बोली चेंज मिलेगी, बट दिल एक होना चाहिए। और मैं जहां तक देखा हूँ, जहां तक सीखा हूँ, लोगों के दिल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, राइडिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है और लोगों में मेरे ख्याल से अहम नहीं होना चाहिए। वो अहम क्या नहीं होना चाहिए कि तेरे पास बड़ी बाइक है तो तू बड़ा बाइकर है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे बाइक छोटी हो, चाहे आप साइकिल पे राइड करें, चाहे हार्ली पे करें, चाहे BMW, ट्रैम एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी बाइक हो, बट अगर आप एक अच्छे राइडर हो तो आपका पैशन मायने रखता है, वही सबसे बड़ी चीज है। तो इसी के साथ हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग राइड करें, राइड हार्ड राइड सेफ, और अच्छी चीजों के साथ चलें। रोड सेफ्टी वीक है तो पूरी सेफ्टी के साथ में रोड पर उतरें। तो राइड हार्ड राइड सेफ एंड बाय बाय टेक केयर। और यहाँ हमारे पाली बाबा भी कहेंगे कि बाय बाय टेक केयर।